नमस्कार, मेरा नाम निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज बजट सत्र का चौथा दिन है और एक बार फिर से जो है सीपीआई माले के जो विधायक लोग हैं एक बार फिर से विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है इनका पिछले 3-4 दिनों से और आज फिर एक बार महिला आयोग का गठन करो, वैशाली में लड़की के साथ बलात्कार हत्या शर्म करो, तमाम जो मुद्दा है उनको लेकर के एक बार फिर से सामने आए हैं। क्या मुद्दा है आप लोग क्यों आए हैं? बिहार में बाल विवाह और महिलाओं के उत्पीड़न जारी है। वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में, गायघाट, पटना में, समग्र बिहार में महिलाओं को उत्पीड़न चल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों में बाल विवाह किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार की बात कर रहे हैं। मांगे है और ये अपराध कर करना चाहिए। आज महिला उत्पीड़न का सवाल है और पूरे बिहार में महिलाएं चौतरफा उत्पीड़ित हैं। वैशाली की घटना ने साफ बता दिया कि कैसे एक महिला का अपहरण होता है और फिर उसकी हत्या करके लाश फेंक दी जाती है। दरभंगा में घास कटने गए युवतियों के साथ बलात्कार की घटना होती है। गायघाट की घटना आपके सामने है कि वहाँ कैसे एक महिला का वीडियो वायरल है, वो कह रही है कि सुधारगिरी जो है वो जोन उत्पीड़न का अड्डा बना हुआ है। मुजफ्फरपुर की घटना से पूरी दुनिया वाकिफ है कि वहाँ के बालिका गृह कांड में कैसे कैसे उत्पीड़न हुआ, हत्याएं हुई। तो पूरे बिहार में महिलाओं पर जबरदस्त उत्पीड़न की बातें चल रही है और नीतीश सरकार जो है महिला जो उत्पीड़क है उन्हीं के पक्ष में है, उसको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। हम लोग बिहार विधानसभा में इसका विरोध करेंगे, बाहर में भी ये विरोध चल रहा है और ये लड़ाई है, ये महिलाओं की आजादी के लिए, मुक्ति के लिए, महिलाओं को एक सम्मानजनक समाज बनाने के लिए ये लड़ाई है। देखिए, तो तमाम जो महिलाओं के मुद्दे हैं चाहे गायघाट का हो या मुजफ्फरपुर का हो, उनको लेकर के भाजपा माले की ओर से आज जो है विरोध प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर के जाएंगे आप? आपके सामने पूरे बिहार में महिलाओं के साथ किस तरह से बिहार ही नहीं उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है, उसकी हत्याएं हो रही है। अभी आपने देखा कि वैशाली जिला के सियावता थाना ग्राम शाहपुर में लड़की के अपहरण कर लिया जाता है, दी जाती है, लेकिन पुलिस हत्यारों को, अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करती है। और जो गवाह हैं, पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार करती है और 10 लोगों को केस में फंसा करके और महुआ करेंगे और जानेंगे, दबाव डालती है कि केस उठा लो नहीं सबको हम फंसा देंगे। 10 लोगों को जेल भिजवा दिया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कौन सा लगाए वरना आगे बढ़ा आंदोलन फट जाती है, तब सरकार चौंक जाती है। देखिए, जो महिला के मुद्दे हैं उनको लेकर के लगातार जो है सीपीआई माले की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए तमाम पोस्टर बैनर के साथ ये लोग पहुंचे हैं और एकदम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। गायघाट रिमांड की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नेतृत्व में जांच कराओ। क्या किन मुद्दाओं को लेकर जाएंगे आप लोग आज सदन जा रहे हैं? आज महिलाओं का सवाल प्रमुख सवाल के रूप में होगा। आप जानते हैं कि कल सदन में मुख्यमंत्री जी भाषण देते हुए महिला सुरक्षा और महिलाओं के सवाल पर जम के गरज रहे थे, लेकिन आप पिछले दिनों देखे कि गायघाट रिमांड होम में किस तरीके से महिलाओं शोषण के केंद्र बना दिया गया, महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, उसमें लड़की ने एफआईआर की, लेकिन आज तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी इसका उदाहरण है और यह साफ है कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार महिलाओं की सुरक्षा देने दूसरे तरफ शराबबंदी के दौर और बिहार में अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं हुआ, लेकिन व्यवहारिक तौर पर शराब पीकर बिहार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हो रही है महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल अंदर को सुधार गृहों में रखा जाता है। देखिए सदन में कह रहे हैं कि सदन के अंदर महिलाओं के सवाल को लेकर के हम लोग जाएंगे और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो माले की ओर से किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सुधार गृह तमाम सवाल हैं उन सबको लेकर के भाजपा माले की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पुरजोर तरीके से आप देखिए किस प्रकार से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन
हम लोग सदन में जाएंगे और तमाम मुद्दों के साथ वैशाली में दलित लड़की के साथ बलात्कार हत्या शहीद करो सुशासन सरकार, तमाम वैशाली में दलित लड़की के साथ बलात्कार हत्या शहीद करो सुशासन सरकार, तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लेकर विधायक जो है विधानसभा के आगे खड़े हैं और बिहार के नाम पर तमाम मुद्दों के साथ किन किन सवालों को लेकर के आप लोग जा रहे हैं आज सदन। आज सिर्फ महिला उत्पीड़न आपने देखा किस तरह से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद जो पूरा देश संसार हो गया था, हिल गया था बिहार। आज गायघाट में भी बालिका गृह कांड में बालिका गृह के बच्चियों का जो शोषण होता है उन्हें धंधों में लगाया जाता है। और आपने देखा बेलागंज में भी किस तरह से महिलाओं को छोटे हुए बच्चियों को दोनों हाथ में बांध कर बालू माफियाओं के शव पर पुलिस की निगरानी में पुलिस की मौजूदगी में उत्पीड़न किया गया, जुल्म किया गया। इसलिए इन हत्याओं का हम विरोध करते हैं। महिला उत्पीड़न बढ़ा है नीतीश कुमार के राज पर। सुधार गृह में सुधार नहीं तो सुधार यात्रा का ढोंग बंद करो और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाओ, एसपी डीएम को जिम्मेदार बनाओ। और इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है और हम लोग शून्यकाल में भी सवाल को उठाएंगे। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, महिला सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मुख्यमंत्री को घेरेंगे। देखिए कि तमाम सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री को घेरने की बात कर रहे हैं सीपीआई माले के विधायक। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको लेकर के आज हम लोग सदन में जाने वाले हैं और तमाम मुद्दे हैं और जब तक मुख्यमंत्री हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि विधानसभा के सत्र के दौरान महिलाओं के प्रति जो सवाल जो माले उठाएंगे उसका जो सत्ता पक्ष है किस प्रकार से ये जवाब देती है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।